Murtabat! Vi sa vëtë tjale për tasë në Murtabat! 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 Vi sa vëtë tjale për tasë në Hasme! Gjari këro! Gjari këro! Vi sa vëtë tjale për tasë në Hasme! 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 Vi sa vëtë tjale për tasë në Gjari këro! Gjari këro! Gjari këro! Vi sa vëtë tjale për tasë në Hasme! 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 आज एबीवीपी अजमेर द्वारा यहाँ एमडीएस यूनिवर्सिटी में जो हमारे परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन दिया गया है, हमारी मांग ये है कि राजस्थान सरकार ने अभी हमारे छात्र चुनावों की तिथि लागू कर दी है, लेकिन उसके बाद भी एमडीएस यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय द्वारा जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं हमारे जो फाइनल ईयर में आकर चुनाव लड़ते हैं छात्र संघ का, उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से सभी कैंपसों में छात्र संघ चुनाव में काफ़ी सुस्त दिखाई दे रहा है। और उसी के साथ साथ में जो हमारे छात्र नेता सेकेंड ईयर पास करके फाइनल ईयर में आएंगे तो उनमें चुनाव लड़ने की रुचि दिख नहीं रही है और चुनाव काफ़ी फीका फीका लग रहा है। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर के परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह करा है कि जल्द से जल्द उनका परीक्षा का परिणाम आ जाए, जिससे 20 तारीख को फाइनल मतदाता सूची लगने वाली है महाविद्यालय में, उसमें वो एडमिशन लेकर के अपना मतदाताओं में नाम जुड़वा सके और चुनाव लड़ सके। नहीं आती है तो परीक्षा नियंत्रक महोदय साहब ने बताया है कि 12 तारीख को हम लोग जारी कर देंगे और 12 तारीख को अगर ये लोग जारी नहीं करते हैं तो उसके बाद में विद्यार्थी परिषद पूरे महानगर में एक साथ महाविद्यालय को एकत्रित करके बड़ा आंदोलन करेंगे। मेहुल गर्ग, प्रदेश से मंत्री एबीवीपी।